हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के न्यू सेशन में, जहां पे हम अलग अलग प्रकार के ग्रामर टिप्स सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज। दोस्तों, अगर आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा नमस्ते इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से, और उसके बाद आपको ज्वाइन करना है हमारा अनलिमिटेड अकाउंट, जहाँ पे आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख पाओगे। दोस्तों, अपने आप में यूनिक फीचर है जो कि हमारे अनलिमिटेड अकाउंट में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, हमारे ऐप पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फायदा उठाइए इस यूनिक फीचर का, क्योंकि आपको अगर सच में वास्तव में प्रॉब्लम हो रही है अंग्रेजी सीखने में तो ये फीचर आपकी मदद करेगा। चलिए, बाय द वे, आज की इस वीडियो में सीखेंगे सस्पेंड वर्ब के बारे में, तो देखते हैं कैसे इसको यूज कर सकते हैं हम अपने डेली लाइफ में। न्यूज़ पेपर पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज कंफर्मड इट हैज सस्पेंडेड द सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय सिटी बेस्ड भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको रोक दिया गया है WHO के द्वारा, क्योंकि WHO पहले खरीदती थी, फिर जो है गरीब देशों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, तो फिलहाल इसको रोका गया है। ठीक है, तो ये न्यूज है, हमारा काम है सस्पेंड के बारे में जानना। ठीक है, सस्पेंड इसी से मिलके आपका बना है सस्पेंडेड, सस्पेंडेड। ठीक है, सस्पेंडेड, सस्पेंड एक वर्ब है दोस्तों ग्रामर में, और इसका मतलब होता है स्थगित कर देना, स्थगित कर देना। स्थगित कर देना का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर रैंक की या फिर कोई भी जॉब में है, ठीक है, जॉब में है, उसने गलती कर दी, तो क्या बोलते हैं, इस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है, या फिर इस हवलदार को सस्पेंड कर दिया गया है इसकी ड्यूटी से। ठीक है, या आपकी क्लासेस जो है सस्पेंड हो गई है ड्यू टू हैवी रेन, भारी बारिश के कारण आपकी क्लासेस जो है सस्पेंड की गई हैं। कई बार स्कूलों में यूज किया जाता है कि ड्यू टू COVID-19 योर क्लासेस वुड बी सस्पेंडेड। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सस्पेंड का आप यूज करते हो दोस्तों। चलिए एक सेंटेंस ही बना के दिखा देता हूं मैं आप लोगों को कि आपकी कक्षाएं भारी या फिर भीषण, क्योंकि बारिश वाले मैंने आपको एग्जांपल दे दिया पहले, तो एक बार कुछ और ले लेते हैं। भीषण गर्मी के कारण स्थगित कर दी गई है आपकी कक्षाएं भीषण गर्मी के कारण स्थगित कर दी गई है। तो योर क्लासेस has been suspended। देखो, suspended का यूज कर लिया आपने, तो आपकी कक्षाएं भीषण गर्मी के कारण स्थगित कर दी गई हैं, तो your classes has या have कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आप classes कह रहे हो have been, अगर एक class होता तो has been कर देते, तो your class has been होता, अगर यहाँ पे आप कक्षाएं कह रहे हो तो your classes have been सस्पेंडेड भीषण गर्मी के कारण, ड्यू टू गर्मी के कारण आप क्या कहोगे, ड्यू टू एक्सट्रीम हॉट वेदर। ठीक है, इस टाइप से आप कह लो, या फिर ये कह सकते हो वैसे एक्सट्रीम हॉट वेदर, आप कह लो कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है बाहर। ठीक है, तो योर क्लासेस हैव बीन सस्पेंडेड ड्यू टू एक्सट्रीम हॉट वेदर। ठीक है, तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस जो है बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, और एक सेंटेंस जैसे राम हैज बीन सस्पेंडेड बिकॉज ही वॉज डूइंग करप्शन। राम को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो करप्शन कर रहा था, है ना, भ्रष्टाचार कर रहा था अपने काम में। तो इस टाइप से सेंटेंसेस बनाइए, योर क्लासेस have been suspended due to extreme hot weather। ठीक है, तो बहुत सारी सेंटेंसेस है बनाने लायक जो कि आप सस्पेंड का यूज करके बना सकते हो, तो go and make a sentence in the comment section। Definitely we will love to read your comment there कि what sentence you have made there, and all of you please like this video if you really like our hard work that we put our efforts in making these videos, so definitely this will motivate all of us, or our whole team even, I can say,
सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, ऐसे कंटेंट्स जो है मिलते रहेंगे। यू विल गेट दीज नॉलेजेबल वीडियोज टाइम टू टाइम, एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों लास्ट में एक बार फिर एक बात वही बात कहना चाहूँगा आप लोगों के बीच कि अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ही आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखोगे। ठीक है, सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।